11.2 एक्सरसाइज आप नया तो टेस्ट में फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हूज रेडियस, स्फीयर का सरफेस एरिया चाहिए जिसका की रेडियस दिया गया है, तो टी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, तो 22/7, जब इसका रेडियस कितना है 10.5 × 10.5, लेकिन 7 से अगर 10.5 काटा जाएगा कितना बचेगा, 1.5, that is 1.5, so it is 88 × 1.5 × 10.5, अब मल्टीप्लाई करो 88 और 44 जो है वो डेढ़ होना है, that is 132 × 10.5, इसे निकालो कितना होता है, फर्स्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका एक पार्ट मैंने कर दिया है, आप सेकंड और थर्ड करेंगे, जब भी कराया जाएगा ये आप करेंगे। समझ में आ गया कैसे करना है, 4 पाई r। इस पर सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में सरफेस एरिया टी एस ए निकालना है यदि डायमीटर दिया हो, पहले में रेडियस दिया था और इस बार क्या दे रहा है डायमीटर, तो अब हमें रेडियस निकाल लेना होगा d/2 = 14/2, तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। स्नेहा टी एस ए ऑफ स्फीयर बताओ, 4 पाई r स्क्वायर, सो 4 × 22/7 × 7 × 7, ये 7 कट गया, 88 × 7, इसकी वैल्यू पता करो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रखना, मीटर में है तो मीटर में रखना। इसका भी आप लोग सेकंड का सेकंड थर्ड करेंगे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड टी एस ए ऑफ हेमी स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। सो हमें एक हेमी स्फीयर दिया है और इसका रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर। रोहन टी एस ए ऑफ हेमी स्फीयर का फॉर्मूला बताइए। हाँ बोलो निखिल, 3 पाई r स्क्वायर, किसी का भी नहीं है, किसका कोई है तुम्हारे मन में, क्या ऐसा बोलो, कोई भी नहीं है, तो दैट इज 3 × 22/7 और रेडियस, रेडियस कितना दिया है 10 × 10 = 3.14, सो 3 × 3.14, इट इज, ये करोगे अलग, इसका इसका टोटल आंसर कितना है बताओ, 314, वेरी गुड, क्योंकि 3 × 3.14 × 100, तो इससे क्या आ जाएगा 3 × 314, और मल्टीप्लाई करो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको इतना काम करना है, फिर आगे बढ़ो, इसको भी रख लो पेपर। फोर्थ क्वेश्चन, डेसिमल का क्या अकाउंटिंग कोई नहीं है, सब गड़बड़ हो रहा है, दो डेसिमल यहाँ कुछ लगाई नहीं है।
रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर. तो पहले ये बैलून छोटा था और इसका रेडियस बढ़ गया. कितना बढ़ गया? दोगुना. 7 सेंटीमीटर से कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर. तो आपको ये बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इन टू केस. सो टी एस ए ऑफ अर्लियर बैलून, ठीक है, या कुछ है टी अर्लियर, ठीक है, बैलून दैट इज 4 पाई r1 स्क्वायर. That is 4 pi r1 square, so 4 pi into 7 square. और TSA of later balloon जो बाद में बनाऊं, it is 4 pi r2 square. That is 4 pi into 14 square. तो क्या हो जाएगा? Ratio. तो आपको क्या चीज चाहिए? TSA. जैसा दिया वही ratio चाहिए. Surface area of balloon. TSA of earlier balloon of TSA of later balloon, that is 4 pi r1 square upon 4 pi r2 square. 4 pi cut gaya, 7 square by 14 square. Jasminda, iska kya answer aayega? 14. Total kitna answer aayega? हर्षिता 1/2 आप बोलो. मान्या सर 1/4. कैसे इतना फर्क है? तो 7/14 द स्क्वायर, तो इट इज 1/2. तो 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4. ओके, है ना. चलो फिफ्थ क्वेश्चन. Hemispherical bowl made of brass has inner radius. Find the cost of tin plating inside. एक hemispherical bowl है और वो थोड़ा सा मोटा है. और तो ये bowl है और मैं उसका inner radius भी दे रखा है और हमें अंदर अंदर उसकी coating करानी है, tin coating. तो brass का है लेकिन अब tin की plating करानी है. उसका हमें कॉस्ट चाहिए. तो हमें क्या कर लेना चाहिए? ये से निकाल लेते हैं. इनर रेडियस कितना दिया है? इनर डायमीटर दिया है 10.5. ये इनर डायमीटर, इट इज 10.5 सेंटीमीटर. तो अब हम निकालेंगे इनर रेडियस. इनर रेडियस इज इक्वल टू डी बाई टू, दैट इज 10.5/2. तो 5.25 सेंटीमीटर. अब हमें सी एस ए निकाल लेना चाहिए. मान्या सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर बताइए. सर 2 पाई r स्क्वायर. ठीक है, 2 पाई r स्क्वायर. 2 × 22/7, 5.25 × 5.25, 5.25 7 से कट जाता है. मान्या कितना आएगा? 0.75. ये देखो ना, 5.25. तो जब डेसिमल के बाद का डिजिट यूज कर रही हो तो 7, 7 या 49 डेसिमल लगाना ही पड़ेगा. और इसके बाद अब 3 बच गया और 5, तो 7 इतना ही मन में करना था, ठीक है. तो 0.75, दिस इज 0.75 × 2. मान्या तुम डबल नहीं कर पाते हो पॉइंट सर. हाँ बोलो रोहन. 0.75 × 2 बड़ी दिक्कत है. बोलो अर्षिता. 1.5 75 पैसे का डबल, 1.50 रुपए. तो डबल करना था. दैट इज 22 × 1.5 × 5.25. अब फिर से बताओ, 22 का 1.5 गुना 1.5 से मल्टीप्लाई. चेक देखो कैसे बता रही है. 22 पूरा का पूरा और आधा और, तो 33. 1.5 गुना ही तो करना था भाई. कोई चीज है उसका टाइम
डेढ़ गुना, तो वो पूरा ले लो उसका आधा जो जो सही है नहीं। तो दिस कम्स एज 1.5 टाइम्स 33 और 5.25 ऑफ मल्टीप्लाई करो। सेंटीमीटर स्क्वायर माने अब हमें आगे क्या करना चाहिए? CSA कितना आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेट कितने का पड़ रहा है? ₹16 per 100 centimeter square। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, तो अब इसे मल्टीप्लाई करके बताओ कि 100 से डिवाइड भी करेंगे। पैसा लगा है भाई, कौन कराएगा? रिपोर्टिंग तो बहुत सस्ती होनी चाहिए। 277 200 पहले मल्टीप्लाई किया होगा अपॉन 100 अपॉन 100 है 27 रुपए। तो अब इससे कितना आ जाएगा? 27 रुपए। 27 रुपए तो ठीक है, इतना कोई भी दे देगा। एक कटोरे का वो भी टिन कोटिंग, टिन में तो टिन कैन आते हैं, सब आते हैं। 27 रुपए तो ठीक है, पॉइंट लगा दें। अब पॉइंट लगा दें, सही है। नाउ फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हूज सरफेस एरिया इज 154। देखो टी ऐसे दिया है मयंक और तुमको रेडियस निकालना है, तो टी ऐसे ऑफ स्फीयर इट इज 4πr² बाकी वैल्यू प्लेस आप करा दो। 154 into 7 4 into 22 is equal to r² क्या आपको मालूम है 22 से 154 काटने पर कितना आता है? सब कुछ पता है? नहीं पता? सेवन ने बहुत बार किया क्योंकि चैप्टर ही चल रहा है, इसलिए बहुत बार कर लिया होगा, याद ही रहता है वैसे, है ना। सेवन है, अब आ गया 7² / 4 है तो 2² नहीं भी करना चाहो तो ऊपर 49 है और 49/4 तो ये r² है, लेकिन अगर r लिखेंगे तो क्या रूट लग जाएगा, है ना। 49 का रूट कितना हुआ? 7/2 तो that is equals to r, तो this much centimeter 3.5 so r is equals to 3.5 centimeter। सेवेंथ क्वेश्चन, मून का डायमीटर जो अर्थ है उसका 1/4 है, 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ the diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of earth। तो
हमें ये पता करना है डायामीटर ऑफ मून, क्या ऐसा दिया है मान्या कि डायामीटर ऑफ मून, बोलो बात समझ आ गई, जो मून है ना उसका डायामीटर अर्थ के डायामीटर से 1/4 है, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो लेकिन डायामीटर का क्या होता है, क्या टू ऑफ रेडियस, डी इज इक्वल टू 2 आर तुम जानते हो, तो इसे लिखो 2 rm, इतनी बात समझ, या ना भी समझो तुम इधर भी dm by 2 कर दो और उधर क्या कर दो बोलो d by 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पर कोई दिक्कत आएगी, लेकिन 2 से डिवाइड करने से क्या ये रेडियस बन जाएगा भाई, d by 2 क्या होता है, यहाँ देखो रेडियस क्या होता है, तो अभी क्या बन गया रेडियस ऑफ मून, और वहां क्या बन गया बोलो, सही है, वो जो डायमीटर का रेशो होगा वही रेडियस का भी रेशो होगा, वही सर्कमफेरेंस का भी रेशो होगा, क्योंकि अगर 4 गुना रेडियस तो 4 गुना सर्कमफेरेंस, एरिया में फर्क आ जाएगा। चलो अब यहां तक बात आ गई तो ओके नेक्स्ट देखिए, तो आपको रेशो ऑफ सरफेस एरिया बताना है। नाउ सरफेस एरिया ऑफ मून, ठीक है, अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, दैट इज TSA, तो इट इज निखिल क्या लिखते हैं बोलो, तो 4πrm² और यहां क्या लिखे, 4πr², क्योंकि अर्थ के लिए अर्थ करोगे, ये दोनों कट गए, rm/re, निखिल rm/re कितना, जरा यहां से देख के बताओगे मुझे rm/re की क्या वैल्यू है, कुछ बता दो, क्योंकि ये इधर चला गया तो कितना बचा, 1/4 बचा, और उसका स्क्वायर कर दो, यानी रेडियस अगर 1/4 है तो उसका टोटल सरफेस एरिया 1/16 है, और अभी अगले अगले एक्सरसाइज में वॉल्यूम आ रहा है, तो बताओ वॉल्यूम का रेशो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या आपको मालूम है कि क्या क्या वॉल्यूम होता है, 4/3/3, वैसा कुछ पता है, स्क्वायर का ये भी नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो तुम्हें समझ में आ गया। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 करेंगे। कहीं करते हो तो बुला लो, ठीक है, क्या चीज, सेवेंथ क्वेश्चन देखो, यहां तक की बात है, इसे हटा दें, तुमको क्या चाहिए बताओ, लिखो TSA ऑफ मून अपॉन TSA ऑफ अर्थ, क्या ये 4πrm² है, और ये क्या बोलो, 4πre² पाई से पाई कटा, तो क्या इसे 4rm² लिख सकते हो और इसे 4re² लिख सकते हो, इतनी बात तो तुमको समझ आ गई। अब आप ये देखिए कि इसे लिखो 2rm² है वही चीज, मैं कुछ कर नहीं रहा, बोल के देख लो, और इसे क्या लिख लो, 2re² कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो रेडियस का बट डबल डायमीटर होता है, न समझ में आए तो तीसरा मेथड बताएंगे, पहले इसे समझ लो, हो सकता है पसंद भी आता है, यहाँ तक ठीक है, हर वही चीज कर रहा है, 4 अंदर डाल के, तो बोलो 4rm² का 2rm का होल स्क्वायर होता है, 2rm × 2rm ऐसे लिख सकते हो ना, लेकिन 2rm तो dm होता है, अब बोलो डायमीटर ऑफ मून कितना है, उधर देखो 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ है, तो क्या लिख लोगे, 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, और नीचे क्या लिखोगे, डायमीटर ऑफ अर्थ और लिख लो स्क्वायर, तो क्या ये कट गया, और 1/4 का स्क्वायर 1/16, ये कुछ कुछ पसंद है, दूसरा मेथड ठीक है, हाँ भाई मतलब यहीं से शुरू कर दिया, डीएम पे पहुंच गए, डीएम की जगह वैल्यू डाल दीजिए, सही है, यही 4 सवाल करो,
लास्ट में तुम्हें कुछ दो क्वेश्चन करा दे समझाने फिर करना उसको एमी स्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक द इनर रेडियस ऑफ बाउल इज 5 सेंटीमीटर फाइंड द आउटर कट सरफेस एरिया कहीं नहीं समझ में आता है तो उसका पर्पस है जो तुमको टेस्ट लिया जाता है कि पूछो तो बैठो मत बुला के पूछ लो आना ज्यादा जरूरी है सबसे समझ आई जस्मिता ये तुम हैबिट डाल लोगी तो बहुत फायदे बुला लो मुझको इसीलिए तो हम है ही सर इसको बता दिए हम तो बता ही देंगे कुछ भी हो बैठो मत कहीं आंसर नहीं रखो तो अरे वो आना चाहिए हम बता देंगे साथ ही साथ सीखती जाओ ये ना सोचो पैसा दे रही हो तो क्यों नहीं सीखोगी और कहाँ सीखोगी तो घर में बताएगा क्या यही सीख सकते हाँ आ रहा हूँ कुछ भी है पूछ लो चलो आगे का देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ए हेमी स्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक तो होता क्या है कि ये डेसिमल में गलती होती है मल्टीप्लाई में गलती होती है वो हम रिजॉल्व कर लेंगे फार्मूले में किसी से गलती नहीं होती फार्मूले सभी को आते हैं लेकिन जहाँ डिवीजन हो गया मल्टीप्लीकेशन हो गया कट हो गया वहाँ गलती जाती कुछ लोग ऐसे भी कट कर रहे हैं 22/7 है और 14+7 मान लीजिए ऐसे कट कर दिया तो ये 1 आ गया तो ये निखिल ये ठीक तो है कि गलत है गलत है ऐसे भी लोग कट कर रहे हैं तो पता चल जाएगा कि ऐसे नहीं करना है किसी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है किसी एक से थोड़ी ना कट हो सकता है तो वहाँ पे आप लोगों को जरूरत है वहाँ बताएंगे पूछो कि नहीं आ रहा सर मेरा आंसर बता दे चलो एमी स्फेरिकल बाउल को तुम्हें बताना है आउटर कर्व सरफेस एरिया जबकि इनर दे रखा देख लो इसमें आपको इनर कर्व इनर रेडियस दे रखा है और आउटर सी एस ए पूछ रहा है तो क्या दे रखा है कि इनर रेडियस इज 5 और बोलो ये थिक कितना है इसकी थिकनेस कितनी है 0.25 सेंटीमीटर तो बताइए आउटर रेडियस क्या हो गया और अगर आउटर रेडियस जो हो जाएगा उसके बाद फिर आउटर सी एस ए निकालें हाँ बोलो 5.25 तो इसलिए आउटर रेडियस इज इक्वल टू इनर रेडियस प्लस थिकनेस तो इनर रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर और थिकनेस कितनी है 0.25 सेंटीमीटर तो कितना हो गया 5.25 सेंटीमीटर ओके 5:30 तक हम लोग ये करेंगे फिर उसके बाद 1 घंटे की जो हमारी क्लास होगी वो एसएसटी की होगी तो उससे क्या कि इससे ज़्यादा नहीं बैठा लेंगे फिर 1 घंटा और बैठेंगे तो इसका भी काम चल जाएगा खड़ एग्जाम 1 घंटा जो इसका बच्चा वो क्वेश्चन वो करा दें तो अब बाकी क्लाइमेट वाले चैप्टर का वीडियो देख लेना अच्छा वीडियो बनाया रोहन ने बनाया उस दिन का बहुत अच्छा बनाता है ये तो देख लेना ठीक है ना अब देखिए आउटर आउटर रेडियस तो पता चल गया कि नहीं सर अब थोड़ा पैनोरमिक कर दिया बस ये थोड़ा लंबाई में मिल जाएगा तुमको तो वो चीज ध्यान देते पैनोरमा ज्यादा आ गया है फ्रेम का अच्छा उसमें वो हमें सिखा देना तो फिर क्या कि अब यहाँ तक बात हो गई अब इसके आगे सी एस ए निकालेंगे रोहन बोलो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर आउटर सी एस ए बताओ क्या फार्मूला लगा है ठीक ठीक बताओ बोलो हाँ आप सही 2π और वैल्यू भी प्रेस करो सही है क्योंकि हमें आउटर चाहिए तो आउटर रेडियस ही रखना पड़ेगा एक चीज और बता दो जब इतना बता दे इसका इससे कट करेंगे तो क्या है भी इतना बता दो इंद्रजीत शालवी
जीरो पॉइंट तो अभी डेसिमल के बाद ही यूज हो गया, अभी रुक जाओ छानवी, 0.75 पर टू से मल्टीप्लाई, सही है। तो ये हो गया 1.5 इनटू 22 इनटू 5.25, छानवी 22 का डेढ़ गुना 1.5 टाइम्स, दैट कम्स एज और 5, अब तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 173.25 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखें, 9 राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस अ स्फीयर, जैसा कि किया गया, ये देखो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और इसमें एक ठीक ठीक बस बॉल रखी, जैसे कॉस्को की बॉल पैक होकर के आई हुई प्लास्टिक में, तो ऐसा हो कि चारों तरफ प्लास्टिक को ट्रांसपेरेंट उसने कॉस्को की बॉल रखी है, इट जस्ट इनक्लोजेस, ऊपर और ऊपर से छू भी रही है नीचे से, सही है। अब हमें क्या पता करना है, अगर इसका रेडियस आर है तो बोलो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, बताओ इसका रेडियस आर है तो बोलो ये कितना होगा, तो अब हमें पहले क्वेश्चन का आंसर देना है, दैट इज सरफेस एरिया, हर्षिता सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, बोलो रोहन बोलो सी एस ए बताओ सिलेंडर का 4 नहीं पहले सी एस ए का फार्मूला बताओ, जब तो रखेंगे ना, जब तक तुम बताओगे नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, ध्यान दो ये वाली चीज, ये सी एस ए, ये वाला ऊपर नीचे नहीं, वो तो पी एस ए, सी एस ए बताओ ना सिलेंडर का 2πrh, इसमें क्यों दिक्कत हो रही निकल तुमको, ये एच है तो 2πrh बोलिए, इसी को खोल लो, 2πr इसका सर्कमफेरेंस है और h रेडियस है, जो पूरा खुलेगा तो क्या होगा बोलो भाई, इसी को खोल लो, ये शेफ की टोपी है तो ये 2πr और ये h तो कितना हो जाएगा 2πr इन 2h, यही तो सी एस ए है, बोलो हाँ नहीं तो कुछ तो बोलो, तुम बोल ही नहीं रहा, ये समझ में आई बात की नहीं, फिर तो कैसे गलती हो गई 2πrh, निखिल आगे की बात करो, वैल्यू प्लेस करो, इतना ही करना था, तुम कहां फंस गए थे, एच की जगह 2R तो बताएगा, वही तो रखना था, सही है, फाइव की जगह क्या रखना था, तो बोलो अब क्या हो गया, 2 से 2 का मल्टीप्लाई करो 4πr क्यूब, सही है। अगर मान लो इतनी बात समझा गई, अगर तुम्हें उसका रैपर मिला है जैसे बॉल है और उसके ऊपर ठीक उतना ही सिलेंडर ले लो, ऊपर से कट भी कर लो पेपर से, बॉल है रैप कर लो, और अपने छोटे भाई बहनों से कहना देखना अभी हम इसको क्या ऐसे रैप करेंगे, बॉल मेरी पूरी ढक जाएगी, और ढकी जाएगी क्योंकि जो इसका एरिया है वही इसका, समझाई बात की नहीं, बॉल को चारों तरफ रैप कर लो पेपर से चिपका लो और उतना ही कट कर लो, और छोटे बच्चों को जादू दिखाओ देखना मैं इसको बंद करूंगा पूरी बॉल ढक, तो फिर दोनों का एरिया तो एक ही है टोटल सरफेस एरिया। अब किसका किसका रेशो पूछ रहा है बताइए, रेशो ऑफ एरिया ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दैट दूसरा हमें 2d तो हमें डी का करना क्या है, आपको एच मिल गया, यही तो एच है, इस फार्मूले में भी एच है, इस फार्मूले में भी आर है, तो आर भी है और एच भी हमें मिल गया, इसका रेडियस यही पाई एच स्क्वायर, अगर 2R को H ले लेते हैं
टू आर को देखो एच की जगह ही मैंने टू आर रखा है, टू आर को एच न लो, इस फार्मूले में एच की वैल्यू डालो, जो उसका सी एस है उसका फार्मूला लिखो और एच की जगह, और कुछ नहीं किया जा सकता। और कुछ करने पर फिर टीचर कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या करना चाहते हैं, सिर्फ आपको एच की जगह टू आर ही रखना, आर तो आर है ही, एच टू आर, ये देख रहे हो कि नहीं, यही रख लो बस। तो टी एस ए ऑफ स्फीयर और अपॉन टी एस ए किसका बोलो, ऑफ सिलेंडर, ओके सॉरी सी एस ए, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर और ये भी 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, बीच में इक्वल में लगा दो तो किसका कितना कितना रेशियो हो गया 1:1 एंड दैट इज 1:1, इसके आगे ना लिखना, फिर ऐसे लिख देना ये सही आंसर, उसके आगे मत लिखा करो 1:1, ठीक है। अगर तुम्हें लिखना ही था तो तुम ऐसे लिखते, टी एस ए ऑफ स्फीयर इज टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर, फिर यहाँ 2 लगा दे, 1:1 ऐसे लिखा। अगला देखिए, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, कितनी बार समझ लो कि कोन का क्या वॉल्यूम है, जैसे मैं तुमको कोन दिखाएं पहले तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या चीज होती है कोन, वॉल्यूम भी पता चलेगा। ये देखो ये है कोन, तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना, ये सिलेंडर, तो अभी देखो इसमें भी पानी आ सकता है और इसमें भी पानी आ सकता है, तो हम अभी पता कर लेते हैं दोनों का वॉल्यूम क्या है। ओके लेट अस सी, ये देखो इसमें पानी आ सकता है, जैसा बुक में दिया वैसे ही करेंगे। तो क्या आपको मान्या ये बात पता है कि वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, किसी भी वॉल्यूम का क्या, किसी के भी वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला, इतना ही पूछना, किसी 3D स्फीयर सरफेस के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, हाँ बोलो, ये चीज पता है कैसे नहीं मालूम, इनको सबसे बड़ी चीज पता है कि किसी का भी वॉल्यूम पता करना है तो बेस एरिया इनटू हाइट, यही फार्मूला, क्या फार्मूला है बोलो, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इट इज बेस एरिया इनटू हाइट, समझे बात को, अभी समझे बात को, इन सब में क्या तुम्हें बात मालूम है, ये सब लेटरल सरफेस है, ये कौन सी सरफेस है, लेटरल का मतलब है ऊपर से देखो तो जो ना दिखाई दे, देखो दिखाई पड़ रही, देखो दिखाई पड़ रही, जो ना दिखे उसको कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो जरा पीठ है इसकी, लेटरल का मतलब क्या है पृष्ठीय क्षेत्र, दिखाई पड़ रहा, ये दिखाई पड़ा ना, अच्छा ये देखो अभी मैं फिर से पूछता हूँ व्योम, ये देखो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या है, इसमें नहीं है क्योंकि यहां देखने पर दिखाई पड़ जाए, जब दिखाई पड़ जाएगा तो उसमें लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता है, इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या है आदित्य, कुछ नहीं क्योंकि सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या है, कुछ नहीं क्योंकि इसमें भी क्या देखो हिल गया, ठीक कर लेना, ये हो गया सही है, इन तीनों में क्या है लेटरल सरफेस एरिया नहीं क्योंकि दिख रहा है ना ऊपर से, लेकिन किन तीनों में है बताओ जरा, क्या इन तीनों में श्रेया है, हाँ है, क्योंकि इन तीनों में तुम इसे ऊपर से देखोगी तो क्या दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा, सिलेंडर का भी यही हाल, इसी बात समझाई, तो व्योम ने जो तुमको फार्मूले बताए हैं उसकी सुविधा सिर्फ उन्हीं सॉलिड स्फीयर्स के लिए है जिनमें लेटरल सरफेस एरिया होता हो, वो इसमें नहीं लागू हो सकता, इसमें नहीं लग सकता, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कोन, इट इज नॉट, समझ आई बात की नहीं, तो अगर मैं कभी भी तुमसे इसके वॉल्यूम की बात करूंगा तो तुम वैसा नहीं निकाल सकते जैसा कि व्योम ने बता दिया कि सर देखिए ये तो लेंथ हुई ये ब्रेथ हुई तो इन्होंने बेस एरिया क्या निकाला होगा, बोलो
एल बी है। और फिर बोल रहे सर लेटरल बेस एरिया तो इसका एल इंटू बी है क्योंकि वो तो एक रेक्टेंगल है, और फिर आप उसमें हाइट से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर देते। और फिर इन्होंने ये इतना सब कुछ इन्होंने मन ही मन में किया है, और फिर क्या बताए बोलो, समझ आ गई बात। फिर से समझिए, अगर क्यूब था तो व्योम ने क्या किया होगा, ये देखो क्यूब के केस में इन्होंने बोलो इसका बेस एरिया क्या है। क्यूब भी तो सॉलिड स्फीयर है जिसमें लेटरल सरफेसेस होती हैं। जिसमें लेटरल सरफेसेस हैं, क्या तुम हर्षिता बताओगी ऐसे कौन से थ्री सॉलिड फिगर्स हैं जिनमें लेटरल सरफेस होती है। प्रिज्म, ये अच्छा बता दिया। देखो तीनों इन्होंने बता दिया कि क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, जो व्योम ने बताया इट इज वेरी प्रैक्टिकल। इन्होंने बताया ये देखो कि सर जो भी प्रिज्म होते हैं, ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल सरफेसेस हैं, ये दिस इज ऑल डिफरेंट पिरामिड्स, इन सब में लेटरल वैसा प्रिज्म होगा तो लेटरल होगा उसमें होगा, लेकिन ऐसे पिरामिड होंगे तो उनमें लेटरल नहीं होगा ना। ऊपर से दिख रहा है सारा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सब दिख रहा है सर इसमें, लेकिन नीचे का साइड नीचे से नहीं, बेस छोड़ा जाता है, बेस और टॉप छोड़ देते हैं, किनारे वाला अर्थ के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। क्या इन तीनों में अर्थ के परपेंडिकुलर कोई चीज मिल रही, सब है ये अर्थ के परपेंडिकुलर मिल रही कि नहीं, वही होगा लेटरल। इसमें नहीं है अर्थ के, है कोई परपेंडिकुलर, लेटरल का मतलब अर्थ के परपेंडिकुलर, ये चीज। ट्रायंगुलर होगा तो हो जाएगा। अब जैसे ये है कई तरीके के प्रिज्म है, तो ये ठीक है प्रिज्म होगा तो वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा, सही। चलो यहाँ तक की बात हो गई, रेक्टेंगुलर भी होगा, रेक्टेंगुलर क्लास। अब आगे की बात करो, ये सेंटेंस को पूरा तोड़वा देती लेटरल सरफेसेस होते हैं, फिर उनका एरिया भी हो जाएगा, बस उनकी लेटरल सरफेस है। एंड अबव फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर इट, ठीक है, एंड अबव फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर इट। अब जरा ध्यान दो, ये जो क्यूब है, क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला बताओ, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बोलो अदिति, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोलो, उसकी बात सुनो, वो कितना पहले बता दे रहा है, वो उसका कहना है, सुनो वो बहुत सही चीज कह रहा है, वो कह रहा है बेस एरिया इनटू हाइट। जब भी मैं ऐसी कोई भी चीज व्योम के पास लाता हूं वो इसी पे स्टिक है, यही तो उसकी ब्यूटी है, बहुत बड़ी बात है इसकी। वो क्या कह रहा है उसकी भी तो सुनो, वो कह रहा है कुछ भी ऐसा सरफेस लाता हूं जिसमें लेटरल सरफेस है तो वो इस फार्मूले से नहीं हट रहा है। तो उसने क्या बताया बोलो, बेस एरिया इनटू हाइट। फिर उसने क्या किया, ओरिजिन देखो, अच्छा बताओ अगर इसकी सरफेस, अब तुम्हारी भी बात कर लेते हैं, ये एल है और ये एल है, तो बोलो इसका बेस एरिया कितना होगा। अब लिखो बेस एरिया की जगह एल इंटू एल, और हाइट भी तो एल है, तो ये बात की बात है, वो तो कोई भी निकाल ही लेगा, तो एल स्क्वायर इंटू एल तो क्या हुआ बोलो, सही है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ अदिति, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, लेकिन असली चीज इन्हें मालूम है, आधारभूत सिद्धांतों पर ये चलते हैं। अब कहीं भी ब्यूटी पार्लर में भी जाने की जरूरत है, इट इज द ब्यूटी ऑफ व्योम, ठीक है, व्योम तो अंतरिक्ष को भी कहते हैं। नाउ अब जैसे मैंने सिलेंडर का पूछा तो इन्होंने क्यों बताया, क्या बताया बताओ, आप थोड़ा संकोच कर रही थी लेकिन बोल्डली व्योम ने बोल दिया कि वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब वो कितनी जगह लेता, हाउ मच इसके स्पेस इट ऑक्यूपाइज ना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए क्या बोला उन्होंने, बेस एरिया इनटू हाइट। अब बाकी चीज पलक से पूछेंगे, क्या पलक आप मुझे बताएंगे कि इसका बेस एरिया होता कितना है आखिर, बोलो, ये ठीक था।
इन्होंने कहा सर सर्कल का ले लो पाई आर स्क्वायर, वो तो सभी को पता है, बहुत प्रैक्टिकल है, मतलब किसी भी चीज में है ना। तो इन्होंने कहा सर सर्कल का क्या होता है, वही तो उस सिलेंडर के ये होगा, और यह इनकी नजर भी तेज है, पाई आर स्क्वायर पढ़ लिया होगा, इसे देख लो उसे बगल में रखा है, पाई आर स्क्वायर ऐसे ही है, ये समझा नहीं बात, दैट इट इज, क्योंकि सर्कल का क्या होता है एरिया बताओ, पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है इसकी, एच, एच, तो इतनी तो बात समझ में आ गई, पाई आर स्क्वायर एच, इतनी बात समझ आ गई। क्लास एट में आपने इसके 12 सवाल किए थे इंक्लूडिंग एग्जाम्पल, इसलिए अब हमें नहीं करने, इसको डिलीट कर दिया गया, लेकिन अब हमारा जो कोण का वॉल्यूम है इससे संबंधित है, हम ये बताएंगे कि अगर थ्री कोन्स, ये देखो तीन कोन जिसकी हाइट सेम हो और एक सिलेंडर हो, ये तुम्हारी बुक का फिगर है, और इसमें भर भर के पानी, तीन कोन भर के पानी इसमें डाला जाए तो ये भर जाएगा, तो बोलो एक कोन का वॉल्यूम कितना होगा, क्या वन थर्ड, देख लो इसका भी तुमने निकाल लिया, क्या है इसका बोलो वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, अगर तीन का पानी इसमें आ रहा है तो हर एक का कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है, या ये भी लिख सकते हो 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो बताइए वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हुआ, 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, इतनी बात समझ आ गई, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ कोन का ये फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले पर हमारी अभी एक्सरसाइज चलेगी, क्योंकि अभी जैसे मैंने स्फीयर का देख लिया था, वॉल्यूम ऑफ कोन का देख लिया कि ये देखिए हमारे पास थोड़ा पानी ले लेते हैं, और इनू दिखा के आदित्य को दिखा के डालेंगे, मैं पूरा भर भर के डालूंगा, ये हाँ बोले तभी मान लेना, देखो ये एक हो गया, ये गिर गया, कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा ले लिया इसमें, ठीक है, भर गया 3 times, ठीक है, बाकी तो मेजरमेंट ये तो थोड़ा वैसे में प्लास्टिक है, वही चीज, हाइट देखो दोनों की सेम है बिल्कुल, उंगली रख के देख लो, ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि यानी इसको 3 times ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये तो पता चल गया कि नहीं, देखो ऐसा तुम्हारी बुक में डायग्राम बनाए क्या, चेक करो, और अगले पेज में इसका वॉल्यूम भी दिया है, सो हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज दिस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, चलो दो चीजें दी हैं, कि हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोन कितनी दी है, 21 सेंटीमीटर या 28 सेंटीमीटर, ये कौन है, इसकी हाइट दी है 21 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट कितनी दी है, 28 सेंटीमीटर, हमें रेडियस ही नहीं मिलेगा तो मैं वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल सकता ना, तो फिर हमें रेडियस निकालना चाहिए, दो चीज दी है, तो सबसे पहले आर निकालो, एग्जाम्पल नंबर 8, तो ये बताइए एल स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस, तो 28 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या हो गया, दैट इज 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, जब 28 का स्क्वायर तो 784 माइनस 441, तो इसका रूट भी निकालो, फिर इसका रूट भी लगा दिए,
थ्री आ गया, ये फोर आ गया और ये 343 आ गया। 343 से क्या पता चलता है? तो 7 × 7 × 7 अगर 3 7 है तो 1 7 तो वहां निकल जाएगा, सही है? जोड़े में जो चीज होती है वही निकलती है, एक तो निकल जाएगा लेकिन एक अंदर ही फंसा रह जाएगा। दिस मच सेंटीमीटर, ये तो रेडियस हो गया। अर्षिता अब हमें रेडियस मिल चुका है, अब हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का आप मुझे फॉर्मूला बता दीजिए। पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसमें था उनको उसका मालूम था, उसका वन थर्ड कर दिया। तो ये मालूम होना चाहिए तभी तो वन थर्ड करोगी। तुम्हें ये पता ये नहीं पता, ये मुझे समझ में नहीं आया, इसी का तो तुमने वन थर्ड किया होगा। ये देखो तो कौन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू प्लेस करिए अर्षिता। 7 √7 का स्क्वायर करो और एच कितना है? 21। तो अब देखो 1/3 × 22/7 जस्मिता, इस 7 से 7 को कट कर दें, स्क्वायर है क्योंकि इसमें 2 7 ठीक है कि नहीं? ऐसे नहीं कट कर सकते, कई लोग ऐसा करते हैं कि 7 है 1/7 और × 7 × 7 × 7 चेक करो जस्मिता। तो क्या करेंगे 1/7 × 7 का क्यूब और फिर कर देंगे 1 का क्यूब, खुश हो जाएंगे हाँ 49 और फिर खुश होकर चल देंगे। ऐसा नहीं करना है, चीटिंग है भाई, चुपचाप वहां फ्यूक किया देखा कोई नहीं देखा, खर्च कर ये नहीं करना है कि नहीं? क्यूब में कोई चीज 3 बार है, तुम एक बार से कट कर रहे हो बताओ। अब ये देखो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं 1/7 है और दैट इज × 14 2 आना चाहिए तो 1/7 और 7 + 7 चुपचाप कट कर दिया 1 + 7 2 को 8 बना दिया, मजा आ गया। जबकि 2 है उसको 8 बना के खुश हो रहा है, ऐसा नहीं करना, एक से एक नहीं कट सकता, कट सकता है क्या? ऐसा नहीं करना। चलो तो अब यहां पर 7 √7 को 2 बार लिखो और × 21 7 से 7 कटा, देखो 3 से भी ये कट सकता है तो 7 आ गया। ये बताओ √7 × √7 क्या होगा? 7 तो 22 आया, इससे 1 7 आया, 1 7 ये और 1 7 तो 7 और 7। अब इसका वॉल्यूम पता करो कितना, ठीक है 7 × 7 = 7546 सेंटीमीटर क्यूब। ओके चलो अब जरा देखो एग्जांपल नंबर 9, एक एग्जांपल देख लें फिर हम क्लाइमेट आते हैं। मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवास जिसका एरिया इतना है, सी यूजेस टू, एक उसके पास कैनवास है ये देखो 551 सेंटीमीटर स्क्वायर और इससे उसने किस क्या बना लिया बोलो, एक तंबू बना लिया, दैट इज कोनिकल टेंट विद ए बेस रेडियस 7, बेस रेडियस 7 का बनाया है 7 मीटर, काफी बड़ा है इस क्लासरूम की, ये 5 है तो 7 मीटर और बड़ा बना लिया 7 मीटर इससे बना दिया और ये भी मीटर में ही है, दैट इज मीटर स्क्वायर। चलो अब देखिए अज्यूमिंग दैट ऑल स्टिचिंग मार्जिन, इसमें से जब ये बनाया तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो मार्जिन में चला गया, सिर्फ 550 ही उसका बना, काटने में ओवरलैप में चला गया, तो हाउ मच एरिया इज यूज बोलो, 550 लिखो, वो लीविंग स्टिचिंग मार्जिन ठीक है, एरिया ऑफ ये कोन जो
टेंट है उसका कोण करके कितना एरिया हो जाएगा? 551 में से 1 मीटर स्क्वायर हटा दो तो 550 हो गया कि नहीं मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर तो ओवरलैपिंग में चला गया, उतने ही कपड़े का तुम टेंट बना पाओगे। लेकिन ये जो एरिया है वो इसका CSA है। क्या है इसका? नीचे तो नहीं बिछाओगे ना, इतना महंगा टारपोलिन होता है, तो क्या करोगे बोलो? CSA बताओ मान्या। CSA भाई आपने इसका बोलो पाई वाले होता है। अब मुझे वैल्यू फ्री कराइए, इसमें कैसे कैसे डालें? नहीं होगा तो निकाला जाएगा, पहले बताओ। 22/7 इधर कुछ नहीं बोलना, मतलब कितना कपड़ा यूज हुआ है, जो कपड़ा यूज हुआ है वही तो CSA होगा। 551 था, 1 मीटर स्क्वायर स्टिचिंग मार्जिन चला गया, तो कितना लिखें? सर 550 उधर क्या लिखें? 22/7 और कुछ लिखना है? 7 हाँ, और 7 × L, 7 से 7 कट दिया। अब 22 नीचे ले जाओ और L की वैल्यू पता करो। क्या आपको एच की भी जरूरत है? तो अभी आपके पास R आ गया, R तो था ही, L आ गया 25 मीटर, अभी H नहीं आया, बिना H के आप वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या कर देना चाहिए? L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L की तो दी है, R की भी दी है, H की नहीं दी है, तो 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इज H स्क्वायर। तो जस्मिता 25 स्क्वायर 625 में से 49 जरा माइनस पकड़ो, कितना आएगा? 576 अब आगे का मुझे बताओ क्या करना, आगे का तुम्हारा कुछ प्लान है कि सिंगल देखना है? अगला प्लान बताओ तुम अपना, वॉल्यूम ऑफ कोण, ठीक है? क्या लिखे वैल्यू प्लेस कराओ, सेवन इंटू सेवन आ गए 24, तो 7 से 7 कटा, 3 से 8 आया, 22 इंटू 7 बताओ अर्षिता, 154, 22 इंटू 7 इंटू 8 कर लो, ये पता करो कितना, 1232 मीटर स्क्वायर क्यूब, मीटर सॉरी, इसका क्या हो जाएगा? और कहीं तुमने ऐसा नहीं लिख दिया वॉल्यूम, नहीं चलो अब थोड़ा सा क्लाइमेट कर देते हैं। ओके इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया
इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय, इसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, इट इज मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड का क्या मतलब है? मॉनसून विंड्स, मॉनसून का मतलब होता है मौसम। दोस काइंड्स ऑफ विंड्स विच आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम गेट रिवर्स, ठीक है, तो उस चीज को क्या कहते हैं? मौसम। और मौसम एक अरेबिक वर्ड है, उसी को अंग्रेज लोग मानसून कहते हैं। तो जो विंड्स पलट जाए कुछ समय के बाद उनको क्या कहेंगे बोलो? मौसम। और उसी मौसम की वजह से, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, दैट मीन्स जो बदल जाए वही मौसम। बोलो बात समझ आ गई? तो दैट मीन्स ये देखिए, तो ये इंडिया में ये इंडिया हो गया, और आगे चले जाओ, ठीक है, तो यहां पर ये यहां से यहां तक क्या चीज है बताइए? दैट इज हिमालयन। सो हिमालयाज, फिर इधर देखिए, दिस इज मालाबार और दूसरा नीलगिरी पहाड़ियां और भी पहाड़ियां, और यहां देख लो तो इसके ज्यादा इधर चले जाओगे तो ये अफ्रीका हो गया, फिर यहां पर क्या हो गया? गल्फ कंट्रीज, ईरान और ये सब यहाँ पे हैं, गल्फ कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर मेडागास्कर है, और यहाँ पर क्या बताइए? दैट इज कौन सा प्लेटी बोला था? छोटा नागपुर, दैट इज छोटा नागपुर प्लेटी। ये मालवा का प्लेटी है, मालवा का पठारी छोटा नागपुर। यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, ये मई में 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। तो जब ये टेम्परेचर हो जाता है तो मेडागास्कर से क्या होती है? मेडागास्कर, यहाँ से हवाएं चलती हैं इसको फिल करने के लिए, टेक नहीं लगाओ। तो जब यहाँ पर गर्मी हो जाएगी तो यहाँ की हवाएं गर्म होकर के द वार्म विंड्स गो अपसाइड, तो यहाँ कैसा जोन हो जाएगा? लो प्रेशर की हाई प्रेशर। जब हवा ऊपर चली जाएगी तो लो प्रेशर हो जाएगा, उसको भरने के लिए जब ये मई में यहाँ पर हीट इतनी हो जाएगी तो ये कैसा जोन हो जाएगा बोलो? लो प्रेशर जोन। इसको भरने के लिए मेडागास्कर से हवाएं चलती हैं, मेडागास्कर से, और रास्ते में समुद्र से ये वाटर लेडन हो जाती हैं। कैसे हो जाएंगी? वाटर लेडन ये इस तरीके से हो जाएंगे। अब ये देखो, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये ईस्ट हो गया, और ये कैसा हो गया? वेस्ट, ये नॉर्थ हो गया। तो ये जो हवा चली ये ऐसे ही तो चली है, बोलो इसकी डायरेक्शन क्या है? साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। ये यहाँ पर टकराती हैं अरेबियन सी में, मालाबार कोस्ट से टकराती हैं, और वेस्टर्न घाट से टकराती हैं, और ये यहाँ पहुंच जाती हैं। चली बहुत पहले थी, जब यहाँ गर्मी पड़ी थी तभी चली थी, ये वन मई को ही चल दी थी, लेकिन इनके पहुंचते पहुंचते वन जून हो जाता है। तो बंबई में 1 जून से 6 जून तक बारिश होती है झमाझम, एक हफ्ते तक लगातार। मालाबार कोस्ट में सब हीरो हीरोइन रहते हैं, उनके घरों के बाहर बारिश ही बारिश, उसी पहाड़ों से टकराते हैं। मालाबार हिल में इतना एरिया ही 50 करोड़ का एक स्क्वायर फीट, वहाँ हम जैसे लोग जा ही नहीं सकते, गार्ड ही गार्ड है उनके, पर्सनल गार्ड, जा भी नहीं सकते, गाड़ी भी अंदर नहीं ले सकते। वो ऐसा हिल है, पॉश एरिया, इंडिया का सबसे पॉश एरिया। यहाँ पर ये मालाबार हिल पे चलते हैं, लेकिन ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ? नीलगिरी की छोटी छोटी पहाड़ियाँ, उनके बीच में नीलगिरी का पास है, नीलगिरी के पास से है ना, नीलगिरी का दर्रा या पास, इस पास को क्या कहते हैं? नीलगिरी का पास। और यहाँ से फिर ये आगे भी बढ़ जाती है। अच्छा, यहाँ आगे बढ़ने के बाद फिर ये भारत में प्रवेश कर जाती है। कुछ मानसून जो यहाँ से चला वो फिर इधर से भी चला जाता है, बंगाल की खाड़ी से। तो जिस समय ये यहाँ चल रहा है उसी समय वो यहाँ चलते चलते यहाँ पहुंच जाता है। तो अगर 1 जून को यहाँ बारिश हुई तो मेघालय भी 7 जून को इसका लाभ प्राप्त कर लेता है। पूरा भारत इंतजार कर रहा है, वो समुद्री रास्ते से वहां पहुंच गया। बोलो बात समझ आ गई? क्योंकि यहाँ से जाएगा तो आप ये समझ लीजिए, जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स है ना, जो 7 स्टेट्स हैं, वो सारे सिस्टर स्टेट्स कब बारिश प्राप्त कर लेते हैं बोलो? 7 जून को। अच्छा, यहाँ पर जब ये जाएगा तो इसके पीछे का इतना एरिया, इसको कहते हैं लीवर्ड रीजन। कैसा रीजन है?
या रेन शेडो एरिया, ये मालाबार कोस्ट है। और बारिश जब यहाँ पर आई तो क्या इसने यहाँ से टकरा के पर्वतों से टकरा कर यहाँ बारिश कर दी, और जब ये बादल इसके ऊपर ऊपर हो करके यहाँ गए तो यहाँ के लोगों को फिर ज्यादा इसमें वाटर कंटेंट बचा ही नहीं, तो सिर्फ इन्हें बारिश की छाया मिल रही है, वृष्टि छाया क्षेत्र या लीवर्ड रीजन या रेन शेडो एरिया। बोलो बात समझे, रेन शेडो, रेन नहीं मिल रही है। तो यहाँ जहाँ मुंबई है वहीं यहाँ नासिक है, और क्या है बोलो, पुणे। समझ आ गई बात? तो इसलिए यहाँ के लोग अब दैट इज जब भी बारिश होगी 1 जून के बाद, वहां पर इनकी सबकी फसल खराब हो जाती है और हर साल 200 किसान आत्महत्या करते हैं गर्मी में फंदे डाल के। भारत में तब से चला आ रहा है, बेचारे मर जाते हैं, खेती करते हैं पानी बरसता है, ये बहुत बड़ा इश्यू है पूरे महाराष्ट्र। जिस साइड बारिश होती है बाढ़ को उसको क्या बोलते हैं? वो जिस साइड बारिश होती है उसको बता देते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बता देता हूँ। एक लीवर रीजन है और एक दूसरा क्या है, चलो अपोजिट ऑफ लीवर्ड रीजन इज विंडवर्ड रीजन। एक लीवर्ड रीजन, दूसरा क्या है? ये देखो लीवर्ड रीजन, या फिर इसे क्या कहेंगे बोलो, रेन शैडो एरिया। और जो उधर वाला रीजन है उसे क्या कहेंगे? विंडवर्ड। वो लीवर्ड है और ये विंडवर्ड रीजन। वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि उन्मुख क्षेत्र, वृष्टि का मतलब बारिश होती है। तो उतना तो वृष्टि छाया क्षेत्र का क्या था लोगों को, वृष्टि छाया क्षेत्र। अब आगे की बात करो तो बोलो हर्षिता, ये जो यहाँ बीच से निकल रही है किस पास से निकल के पूरे भारत में प्रवेश करती है, बताया करो। बोलो नीलगिरी पास, बताया करो जब बता रहे तो। तो ये नीलगिरी पास है, नीलगिरी की पहाड़ियां है, तो नीलगिरी का दर्रा नीलगिरी के पास से निकली। अब ये इंडिया में आ गई, तो इंडिया में आने के बाद इस एरिया में उन्होंने 1 जून से कर दी बारिश, फिर और आगे बढ़ने पे यहाँ जो है 15 जून तक इस एरिया में कर देती, जिसमें कर्नाटक और कुछ हिस्सा तमिलनाडु का भी है। फिर ऐसे और आगे बढ़ेंगी, ईस्ट में तो हो ही गई 7 जून को बारिश, सही है। फिर और आगे बढ़ेंगी तो क्या होगा, दैट इज 30 जून आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में ये बारिश कर देंगे, दैट इज कोस्टल रीजन। फिर और आगे बढ़ेंगी, दिल्ली में यही हवाएं करीब करीब 10 जुलाई तक प्रवेश कर जाता है, मानसून का प्रवेश कर जाता है दिल्ली में 10 जुलाई तक। राजस्थान में तुम्हें 16 जुलाई को झमाझम बारिश देखने को मिलनी चाहिए, जोधपुर की बात कर रहा हूं। तब तक ये जो वाटर है ये अपना बहुत सारा, ये जो मानसून है ना, मानसून का मतलब है रिवर्सल विंड, अभी लिखा दूंगा, दैट विंड जो कुछ समय बाद पलट जाए उसे क्या कहेंगे, मॉनसून। क्यों ऐसा कह रहा हूं, ये जो मैं कह रहा हूं तारीख 1 जून से लेके 30 सितंबर तक, 2 महीने तक आता है फिर 2 महीने तक जाता है, समझ में आ गई बात। 2 महीने आ रहा है, ये हिंदू कुश है जहां लश्करे तोयबा और ये सब लोग रहते हैं ना आतंकवादी, ISIS, वहां जाके टकराएगा, उसी में वो रहते हैं। हिंदू कुश की अफगानिस्तान में हिंदू कुश की पहाड़ियों से टकरा कर ये लौटेगा, समझो। जून जुलाई जाएगा, 120 दिन का मानसून है, 60 दिन जाएगा, 60 दिन में 45 दिन इंडिया में, 15 दिन घूमेगा पाकिस्तान अफगानिस्तान, 15 दिन वहां घूमता घूमता जाएगा और 15 दिन लौटेगा, समझा। 90 दिन भारत का, 30 दिन उनका, हो गया 120 दिन। 1 जून से यहां कितना तक चला जाएगा बोलो, 15 जुलाई, हो गया 45 दिन रहा, फिर इसके बाद 15 दिन वहां, 15 जुलाई को ये छोड़ देता है राजस्थान को, कहता है अभी आएंगे घूम के आ रहे हैं, एक में 15 जुलाई से गया 30 जुलाई, 30 जुलाई से फिर लौटा, समझ आया। 30 जुलाई से फिर क्या हुआ, 15 सितंबर, वरना
अक्टूबर नवंबर, अभी देख के बता दें ठीक है कि नहीं। तो ये बात समझ आई, जैसे जैसे यहां पर ये आता है, अब ये देखो ये तो इंडिया में यहां पर देखिए तो दैट इज ये देखिए ये अरावली है, ये क्या है अरावली हिल्स। और जब ये मानसून कहां से तुमने बताया था, किस पास से निकला था, नीलगिरी की पहाड़ियों से ये गुजरता हुआ यहां पर आया। इसके इधर यहां कौन है बताओ, पाली, क्या है पाली, पाली। तो पाली एरिया में इसने पाली में बारिश की और जोधपुर रह गया अभागा, जोधपुर हो गया नी बढ़ रिया, ध्यान दो। तो यहां से आया और यहां से जब ये मानसून आ रहा है तो तुमको मालूम है ये यहां पर आ रहा है तो कहां पर बारिश कर रहा है बोलो, पाली में। तो जोधपुर में क्या बारिश होगी, जोधपुर 5-6 बारिश ही वो एनकाउंटर कर पाता है, आप विटनेस कर पाते हो। तो ये जोधपुर कैसा रीजन हुआ बोलो, रीवर्ट रीजन। इसलिए यहाँ 3 सब्जी मंडी है, उस पर सब जगह लिखा पाली की सब्जियां मिली, कोई ये नहीं कहता जोधपुर, क्योंकि वही बारिश होती है तो वहीं की मिलेगी। वहां पहुंच जाओ तो लगता है कहां आ गए, इतनी हरी भरी घास मैदान, हरी भरी चारागाह, दैट इज जोधपुर कैसा रीजन हो गया बोलो, लीवर्ड रीजन। इतनी तो तुमको बात समझ आ गई। अच्छा अब यहां से ये गया, यहां तो चला ही गया, यहां पर तुमको मालूम है इस एरिया में 3 पत्थर है, दैट इज गारो खासी जयंतिया, गारो खासी और जयंतिया। ये मानसून जब ये यहां से आया था बहुत पीछे से आ रहा था, तो कुछ मानसून तो यहां से यहां आके निकल गया इसके बीच के पास से, ये सब आ रहा है कि नहीं। अब कुछ मानसून ने क्या किया, वो उसने बोला नहीं वहां से नहीं जाएंगे सब पत्थर, भाई कहीं से भी जा सकता है, हवा है यहां से, इधर से भी तो आ सकती है, यहां से आकर ये यहां आ गई और पानी ले आई। कहां से पानी ले आई, यहां तब तक इतनी गर्मी होती है उड़ीसा, उड़ीसा में खूब उसने उसको लबालब पानी से भर दिया, गर्मी में ही तो इवेपोरेशन होता और भर दिया। फिर जब यहाँ आई तो तीनों तरफ पहाड़ उसको वहां बरसना ही है। तुम अगर मोहसिन राम में चाय बना रही हो तो तुम्हारी चाय प्योर बन ही नहीं सकती अगर ढका नहीं, आके बारिश कर जाएगी चाय तुम्हारे घर के अंदर, बिस्तर गीला कर देगी सब। मोहसिन राम के एयरमैन सब इसीलिए सार्जेंट JW इतने परेशान रहते थे कहाँ पोस्टिंग दे दी, गलती से खिड़की खुली रह गई तो जब ड्यूटी से आया सब गीला, ये खिड़की खुली तो समझो सब गया। अब ये देखो ये कौन सा एरिया है मोहसिन राम जहाँ 400 सेंटीमीटर तक की बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, दैट इज चेक करो 400 mm होगा, 400 सेंटीमीटर। तो इस एरिया का क्या नाम है, और विश्व का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रेसिपिटेशन रीजन। पहले चेरापूंजी हुआ करता था, मानसून ने अपनी थोड़ी करवट बदली, 15 साल पहले चेरापूंजी था और अब मोहसिन, दोनों आसपास ही, दैट इज मोहसिन राम। अब ये मुझे लगता है कि मेघालय में होगा, तो मेघालय। इतनी तो तुमको बात समझ में आ गई ठीक है। जब ये गया तो अब उसके बाद टकरा के आएगा, टकराया कहां से बोलो, तुमको ये बताया ना ये इन पहाड़ियों का नाम बताओ, हिंदू कुश, कैसा पहाड़ियां है हिंदू कुश पहाड़ियां, दैट इज हिल्स बोला तो अरावली हिल्स, जो बहुत ऊंची ना हो, पहाड़ जैसी तो हो लेकिन पहाड़ ना हो तो कहेंगे पहाड़ी। एक होता पहाड़ और एक ऊंचा तो हो लेकिन ऊंचा ना हो, बहुत ऊंचा ना हो, 8,000 ना हो, 2,500, तो अरावली का उसका टॉप दिखता है तो पहाड़ी है, पहाड़ नहीं, एक माउंटेन एक हिल्स, और एक ऊंचा तो हो लेकिन टॉप हो टेबल टॉप, तो प्लेटू समझ आई, तो अरावली हिल्स हैं, समझ में आ गई बात। और इसी तरीके से सतपुड़ा भी हिल्स हैं, बीच बीच में जो इंडिया में पड़े हुए सब हिल्स हैं, हिल्स है, ये पूरा प्लेटू है, कहीं कहीं उठ गया तो हिल्स है, सब नीलगिरी भी हिल्स ही है, जाओगे देखोगे यही टॉप ऐसे ही दिखेगा, ऊंचा होता तो बर्फ जमी होती। चलो अब यहां तक बात हुई, ये देखो ये मानसून जब यहां गए, अब यहां से आए तो इनका क्या नाम पड़ा, वहां पहुंचो बोलो, ऐसे आएंगे तो क्या नाम हो, अभी ऐसे आ गए सही है, यहां से गए तो ये बोलो दैट इज
नॉर्थ वेस्ट हो गए। अब कुछ मानसून ये ऐसे आए और यहां से आए, तो जो ऐसे आए तो इट इज साउथ साउथ ईस्ट। दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, इसे क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट। इंडिया गेट्स मैक्सिमम रेन फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। जो नीलगिरी की पहाड़ी से अंदर गए हैं वो ही भारत में आ रहे हैं और वो सब जगह फैल गए, और जो वहां गए तो मेघालय चले गए। वे कहा चले गए? बोलो बात समझ आ गई। एंड द रिवर्सल कब से है बोलो अदिति? वो जो वापस आता, एक है एडवांसिंग मानसून, आता हुआ मानसून, अब जाएगा जाता हुआ, रिट्रीटिंग मानसून। सो रिट्रीटिंग मानसून मुझे 1 अक्टूबर से शुरू होता है ना, 1 अक्टूबर से 2 महीने रख लो, अक्टूबर नवंबर। अभी तुमको मालूम है परसों चेन्नई में कल ही तूफान आया है। अब जब ये रिट्रीटिंग मानसून आ रहा, समझो उसमें कुछ पानी नहीं है, सब टकरा के बारिश करके अब खाली है, बस बादल लौट रहे हैं। ये समझो इतना कम पानी है, इतना कम पानी है कि दिखने में तो बादल है, ठीक है कि नहीं? दिखने में बादल है लेकिन बारिश नहीं करेंगे। तो अब रिट्रीटिंग मानसून का देखो कैसे होता होगा। अभी देखो यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया? ये एडवांसिंग मानसून थे जो वापस आए, तो भारत में कब रिपोर्ट करते हैं? 1 अक्टूबर को। कौन सा बोलिए? रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून जब भारत में आते हैं तो जहां जहां जंगल है, बहुत सारा जंगल हो, तो वो जंगल क्या करेगा कि अरे बादल तुम जा रहे हो, लो थोड़ा सा हमसे भी प्रेसिपिटेशन ले लो। इवेपोरेशन होता है ना, क्यों कहा जाता है कि ये फॉरेस्ट ब्रिंग्स रेन? वो जब उसमें से इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन होगा, पानी जाएगा, उस बादल को एनरिच कर देगा, वो वहीं गिर जाए। जोधपुर में नीम क्यों लगा रखी है? पहले तो दो पेड़ थे पूरे जोधपुर में, सन 80 की बात देखो, 80 में जो तुम्हारे पापा जिसके यहाँ JW यहाँ रहे हो, वो कहते हैं कि दो ही पेड़ थे, इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। ये फेंसिंग सब कांटेदार ताड़ियों की थी और एक पेड़ से एयरफोर्स के पास यहाँ था ही नहीं, सब रेत रेत थी। जब से नीम लगे 90% अभी जाना तो देखते हुए जाना। इससे क्या होता है, जमीन से कम पानी लेता है, इवेपोरेशन ज़्यादा करता है, तो इसकी वजह से जो भी हुआ हो, लेकिन जाता हुआ मानसून वहीं वहीं बारिश करेगा जहां जहां पेड़ है, क्योंकि वहां वो लेडन हो जाएगा। तो अब लेकिन एक बात देखो, ये मानसून जा रहा है और ये कहां से आया है बोलो कृष्णो? ये कहां से टकरा के आया है इतना तो बताओ, वो आगे की बात की जाए। हाँ बोलो बोलो, बोल रहे तो बोल दो। हिंदू कुश से आया ना, हिंदू कुश। अभी तुमको वेस्टर्न डिस्टरबेंस बताने जा रहे, उसके पहले लिखो पामीर के पठार पर हिंदू कुश खत्म होता है ना। कहाँ पे खत्म होता है? पामीर प्लेट्यू, सही है, वो अभी बता देंगे उसके साथ बता देंगे। तो वहां पर खत्म। अब हिंदू कुश से जो लौटा, बताओ उसका तुमने क्या डायरेक्शन बताया था? नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और साउथ, ये आया, इट इज नॉर्थ वेस्ट। इसका नाम हमने वहां लिख दिया रिट्रीटिंग मानसून, नॉर्थ वेस्ट। बल्कि जोधपुर के लिए ज्यादा फायदेमंद है, बोले अब हमारी तरफ आया है, पाली वालों अंगूठा। समझाई बात की नहीं? हमने इतने पेड़ लगा लिए, जोधपुर में पेड़ बहुत है, तो हमें फायदा ज्यादा मिलता है बाद में, अक्टूबर के बाद भी अभी बारिश हो जाती है। समझ आई बात की नहीं? क्योंकि वो उधर से आ रहा है, तो इस मानसून के लिए ये रिवर्सल है। When the wind get reversed, that is reversal of wind is known as monsoon. Such winds brings मौसम, that's why भारत में 3 मौसम होते हैं। सही? पानी उसमें जो थोड़ा बहुत बादल है खाली खाली, हमने प्रेसिपिटेशन दिया होगा तो ले पाए, हम देंगे तो बरसा दे, आप क्या पेड़ है तो बढ़ जाए। ट्री ब्रिंग्स रेन, अपने पास उसके नहीं है, पूरे भारत में बारिश कहीं नहीं करता है, ये सिर्फ फैशन वाला मानसून है, दिखावे वाला, इसके पास कुछ पानी नहीं है। ये सफेद बादल है, जब जा रहे थे तो काले बादल थे, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, जब वापस आए तो सफेद बादल नहीं, दिखावे के बादल, इनके पास कुछ नहीं है, पूरे भारत में कुछ नहीं करता है। लेकिन इसको फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि जब ये वापस जाता है तो ये यहां से होके जाता है, कहां से होके जा रहा है? यहाँ से। और ये जब ये भी मानसून आया था ना नीलगिरी वाला, तो ये यहाँ के भी तो पहाड़ों से टकरा के गया होगा भाई, यहाँ भी तो सब है, क्या वहीं जाएगा क्या टकराने? ये भी तो हिमालय है, तो जब ये टक्कर हो कि ये वापस यहाँ से जा रहा है,
तो जाते समय ये अभी 1 अक्टूबर ये आया तमिलनाडु, दिस इज 1 दिसंबर, कल की न्यूज देख लेना, आज भी जाके देख लेना, पूरा चेन्नई यहाँ यहाँ तक डूबा है, आज ही देख लेना, अभी देखा था कि नहीं, वो तूफान आ गया सबको, हर मैं तो 20 साल से देख रहा हूँ, हर 1 दिसंबर हुआ नहीं कि उनकी आफत आई, इट इज द रिट्रीटिंग मानसून, इसमें कुछ नहीं था, इसने कहां से पानी उठाया, बे ऑफ बंगाल से पानी उठाया, और अंत में भारत को टाटा बोलने से पहले इसने तमिलनाडु में तबाही मचाई और फिर ये चला गया। बोलो बात समझाया, आया कब था 1 जून, गया कब 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को कल के अब निकल लेगा, तो देखो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 6 महीने हो गए ना, जून से आया। अब चलो हम इसके बारे में और बता दें, भारत में 4 महीने रहा, बाहर भी रहा ना, तो अब मैं पूरा आपको डेट वाइज बता दूं, इतनी तो तुम्हें बात समझ आ गई, जरा देखिए, उसके पहले मैं कुछ ऐसी बातें बता दूं जो अदिति के लिए इंपॉर्टेंट है। चल कि ड्यूरेशन ऑफ मानसून, सारी चीजें लिखिए, ड्यूरेशन ऑफ मानसून इज 100 to 120 days, 100 to 120 days फ्रॉम 1 जून टू मिड सेप्टेंबर, पूरी बात देखो, 1 जून टू मिड सेप्टेंबर, चेक करो, जून पूरा ले लिया, जुलाई पूरा ले लिया, अगस्त पहला ले लिया और सितंबर, तो कितना हुआ 30, 30, 30 और 15, कितना हो गया, काउंट करो 105, सही है, एक दो दिन की कोई बात नहीं है, मानसून हवाएं हैं, सही है, तो 100 से 120 डेज है, सिर्फ जाने वाले मानसून को काउंट करो, वापसी तो हमें कुछ देके जा नहीं रहा, अब एक अकेले चेन्नई के लिए तो हम नहीं कहेंगे मानसून है, तो ये जाने वाला, इट इज एडवांसिंग मानसून टाइम मान, ठीक है, अब देखो, सो मानसून अराइव्स एट सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला, ये सदर्न टिप है, यहां कब अराइव होता है, मानसून अराइव्स एट सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला, इंडिया तो एक पेनिनसुला है ना, तीन ओर समुद्र से घिरा है, तो इंडिया कब आ जाता है, इन फर्स्ट वीक ऑफ जून, फर्स्ट वीक ऑफ जून, आगे की बात करो, दिल्ली रिसीव्स मॉनसून एट द एंड ऑफ जून, जो टाइम लाइन है तो उन्होंने बोला 30 दिन बाद दिल्ली को पानी मिल जाएगा, दिल्ली रिसीव्स, ठीक है, मॉनसून दैट इज मॉनसून शावर एट एंड ऑफ जून, आगे की बात लिखो, फिर इसमें लिखा है बाई फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई राजस्थान यूपी पंजाब हरियाणा और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 1 से 7 जुलाई तक दिल्ली को मिल गया, आप सब जगह पर बाई फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई राजस्थान के भी कई जगहों में पानी आ जाएगा, भरतपुर से शुरू होता है, राजस्थान अगर यूपी को छोड़ो तो भरतपुर से शुरू हो जाता है, सो बाय फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई यूपी राजस्थान पंजाब हरियाणा गेट्स मानसून, मानसून के आने से पहले भी 1 जून के आने से पहले भी प्री शावर आने लगते हैं, छोटे छोटे बादल की टुकड़ियां, एक साथ नहीं आएगा, एक साथ तो यही आ रहा है, उसको प्री शावर कहते हैं, तो अब जरा देखिए यहां तक जो मैंने बात कह दी है कि ये कब आ जाएंगे, बताइए कि प्री शावर आ जाएंगे, दैट इज
बिफोर कमिंग ऑफ मानसून, 1 जून से पहले भी कुछ कुछ मानसून यहाँ आ जाते हैं, और ये केरला, केरला में और साथ में कर्नाटका में बारिश कर देते हैं प्री शावर। उसकी वजह से क्या होता है, तुमको ये बात मालूम है कि बारिश के गिरने से सारे आम टपक जाते हैं, और इस वजह से इसे मैंगो शावर कहते हैं। वो फिर पूरे भारत में वही आम आपको अगर पहले खाने को मिल गया, वह पहले जून को मिल गया, तो समझो केरला या कर्नाटक का आम है। सही है। सो बिफोर मानसून देयर इज ए कैसा रेन होगा, प्री शावर्स का। बिफोर कमिंग ऑफ मानसून देयर आर क्या होगा कि कुछ प्री मानसून शावर्स अकर, प्री मानसून शावर उसे क्या कहेंगे, शावर अकर कहां कहां अकर करेंगे, इन कर्नाटका एंड केरला, ठीक है, एंड द मैंगोज, चाहे आधे पके हो चाहे सो गिर जाएंगे, फिर पक तो जाएंगे। सो एंड दैट इज मैंगो फॉल्स फ्रॉम ट्री, इट इज कॉल्ड, सो इट इज कॉल्ड, जो प्री मानसून शावर है उनको क्या कहेंगे, मैंगो शावर, ये आम को गिरा देता है, इट इज कॉल्ड मैंगो शावर। इतना आगे नहीं पहुंच पाएंगे कि ये यहां चलेगा यूपी, यूपी में बहुत देर में, यूपी में कोई प्री मानसून शावर नहीं है, इसीलिए यूपी के लखनऊ के मलिहाबाद के आम सबसे ज्यादा दशहरी आम स्वादिष्ट होते हैं, वहां प्री शावर नहीं, पकेगा तब गिरेगा, और जहां बिना पके गिर गया तो खा लो, उतना थोड़ी स्वाद है, तो यूपी में नहीं हो रहा है तो पके आम खाओ, दशहरी आम तो सबने खाए। आगे की बात देखिए कि सेकंड क्या होगा, बाय मिड जुलाई, देख लो मिड जुलाई तक ये हिमाचल प्रदेश में पहुंच जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई यूपी, सेकंड वीक ऑफ जुलाई हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, हरिद्वार, ऋषिकेश, आगे पहुंच रहे हैं पहाड़ी तराई क्षेत्रों में, दैट इज बेसिन। अब आगे देखो, तो 15 जुलाई तक का टोटल खेल है, लेकिन आप कहोगे सर यहां तक का हिसाब दो, आप तो पूरा हिसाब मांगोगे, बाय मिड जुलाई, मिड जुलाई का क्या मतलब है, 15th जुलाई इट रीचेस, ये कहां पहुंच जाएगा, हिमाचल प्रदेश, शिमला पहुंच जाएगा, मनाली, कुल्लू, सब जगह पहुंच जाएगा। आगे की बात करें, नाउ विथड्रॉल इज मोर ग्रेजुअल प्रोसेस, तो इसके बाद क्या होगा, तो विड्रॉल ऑफ मानसून, ये तुम्हें क्या बताया गया बताइए, दैट इज एडवांसिंग ऑफ मानसून, इसे किस हेडिंग में लिखोगे, एडवांसिंग ऑफ मानसून, अब लिखो विड्रॉल ऑफ मानसून, भारत में आया है तो इसको विदा भी करना पड़ेगा, विड्रॉल ऑफ मानसून इज ए यूनिफाइंग बॉन्ड इन इंडिया, आप ये देख लीजिए रक्षाबंधन और सारे त्योहार सब बारिश के मौसम में होते हैं, बहुत सारे त्योहार अगस्त के महीने में तो सबकी बांछें खिल जाती हैं कि अरे त्योहारों का हफ्ता महीना आ गया, अगस्त में 5 त्योहार 6 त्योहार, जन्माष्टमी भी तभी पड़ रहा है, सभी ठीक है, तो इसलिए और भी कई त्योहार पड़ते हैं अगस्त महीने, तो ऑल इट इज यूनिफाइंग बॉन्ड इन इंडिया, क्योंकि सभी की फसलें पकती हैं, सभी किसानों को, अवर एग्रीकल्चर इज मानसून बेस्ड, हमारी एग्रीकल्चर कैसी है, हम मानसून पे ज्यादा बेस्ड हैं, इतना अच्छा भी हमारे यहाँ इरीगेशन सिस्टम नहीं है, सो जितने त्योहार कहीं के भी हैं वो सब किस पर बेस्ड हैं, मानसून के आने जाने पर, सो इट इज यूनिफाइंग बॉन्ड फॉर इंडिया। अब देखो विड्रॉल का मतलब है रिट्रीट ऑफ मानसून, इसको दूसरा कहते हैं रिट्रीट, इट इज, ये किसकी वजह से, एक और चीज लिख लो, वी गेट मोस्ट ऑफ द रेन फ्रॉम, तुम्हें दो चीज बताई थी, बोलो यहां से आए तो उससे ज्यादा रेन है कि यहां से आए उससे, ये ज्यादा, नीलगिरी पास से, नीलगिरी दर्रे से जो आती है ना,
वी गेस्ट मोस्ट ऑफ द मानसून फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून. समझ में आई बात की नहीं? तो वी गेट मोस्ट ऑफ रेन. किससे रेन हमें मिलती है? फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून. ये जो ईस्ट से आई, ये पूर्व से आई, इसलिए इसको कहते हैं ये पुरवाई है और ये पछुआ पवन है. कहते हैं पवन पुरवैया चले, चले रे पुरवैया. गीत सुना है मोरपाली का? तो ये और पछुआ पवनों पे भी जो पश्चिम से आए तो पछुआ पवन, पछुआ पवने आ रे मेरे साजन का संदेश ला रे, ऐसे कहते हैं. गीत बना कि नहीं? वो पछुआ के बारे में. और गाँव वाले जाने, अरे बेटा आओ देखो पछुआ आ रही. उन्हें मालूम है पश्चिम किधर है, पुरवाई चल रही है, चलो पकौड़ी बनाते हैं. ऐसा सुना है नहीं गांव में? पूर्व से आई तो उन्हें हवा कहाँ से आ रही से पता चल जाता. तुम्हें सन से ही पता चल जाएगा, सन वहां से यहाँ आ रहा है. तुमको मालूम है शाम को इधर बच्चे जो बैठते हैं उनको धूप लगती है, सन इधर ही जाता है. तो ईस्ट से निकला और वेस्ट में हमेशा, कभी शाम को देखो तो इधर ही रहेगा सन. मुझे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको धूप बहुत लगती है. तो ईस्ट से वेस्ट, तो असम में पूर्व, गुजरात इधर, इधर नॉर्थ है. तो अगर तुम यहाँ बैठे ही हो तो तुमको पता चल गया तुम इस समय वेस्ट वेस्ट को देख रहे हो. समझ आया? तुम्हें जाते समय अगर तुम्हारे सामने से हवा आ जाए तो यही तो वेस्ट है. पश्चिम में ही तो सूर्य अस्त होता है. सामने से आ जाए तो तुम अपने दोस्तों से कह देना कि देखो पश्चिम से आ रही है पछुआ पवन, आ रही, चलो जलेबी खा लें. और पीछे से हवा मारे तो तुम पुरवाई आ रही. पीछे पूर्व है ना तुम्हारे, उस साइड पूर्व, तो पुरवाई भी देख लो. पुरवाई में समोसा और पछुआ में जलेबी, यही चलता है. ठीक है कि नहीं? अब देखिए व्हाट इज द रिट्रीट. नाउ रिट्रीटिंग मानसून देखिए ये कब आ जाएगा कि इट लीव्स इंडिया. बोलो दैट इज एडवांसिंग मानसून लीव्स इंडिया आफ्टर 15 जुलाई. चला गया 15 जुलाई तक अपना खेल किया इसने, फिर यहीं से चला गया. चला गया मानसून लीव्स इंडिया कब? बोलो आफ्टर 15 जुलाई. इट एंटर्स, इसमें एंटर कर जाएगा इनटू इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. और यहां भी जाएगा तो इनर हिमालयस, ये आउटर है. वहां चला के किसी को क्या पता कहां जा रहा है. वहां जाएगा इतनी बर्फ गिरा देगा, कहेगा पूरे साल पानी देगा. गंगा जमुना के बर्फ भर आए हैं, साल भर मजे लो. बर्फ डाल के आ जाता है. तुमको पानी दे ना दे कहाँ जाएगा पर्स में, हिमालय में तुम्हारे लिए तो बरस रहा है. सीजनल रिवर्स में तो भर ही देगा, वो 2 महीने 3 महीने में खाली हो जाएंगे. तभी तो लड़ाई चलती है. कहीं आप देखो कावेरी जल विवाद तो क्या पूरा साउथ में सुप्रीम कोर्ट में ही मामला सब अटका हुआ. पानी की कमी है ना साउथ में. देखा नहीं कैसे प्लास्टिक के मटके ले लेके लाइन लगा देते हैं? तुमने देखो कॉमन प्रॉब्लम है साउथ. ठीक है कि नहीं? अब ये देखो चला जाता है यहाँ से, यहाँ चला गया और वहां से भी आगे चला गया, आएगा लौट के. लेकिन अभी उसको बर्फ गिराने दो. ठीक है? तो उसके बाद वहां पर क्या होगा, स्नोफॉल करेगा, लौट आएगा. टकरा के लौटना तो है ना उसे, हवाएं हैं. तुम ये ना सोचो कि ये बादल है, बादल ना सोचो, विंड है, मानसून विंड है. हवा जाएगी तो टकरा के लौटी, हवा के साथ बादल भी उड़ के चला आया. मुख्य बादल नहीं है, मुख्य हवा. दोज विंड्स विच कैरी क्लाउड्स आर कॉल्ड मानसून. इफ दे गेट रिवर्स आफ्टर हिटिंग ए लार्ज वॉल देन इट इज द रिवर्सल, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मानसून. चूंकि ये पलट गई इसीलिए मौसम है. मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे. तो मौसम है तो पलटेगा. मौसम का मतलब ये अरेबिक वर्ड, अब मौसम से मानसून बना. बोलो बस समझ आई? इसीलिए जो पलटने वाली बात है तो क्या बात कहेगी बताइए. इट एंटर्स इन एंड हिट्स हिंदू कुश माउंटेन्स एंड हिट्स हिंदू कुश हिल्स एंड माउंटेन तो कहीं नहीं लिखा है. हिंदू कुश हिल्स, हिंदू कुश की पहाड़ियों से टकराता है. चलो एंड कम्स बैक रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन. अच्छा ये बताओ मान्या, रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन
जब गया था तब इसका क्या नाम था और जब आया है तो क्या नाम था? अभी जाने वाले को बताओ, एडवांसिंग था और कोई डायरेक्शन के हिसाब से बताओ, मतलब नॉर्थ वेस्ट का है कि साउथ वेस्ट, कितना अच्छा बताए कि सर साउथ और ईस्ट के बीच जा रहा और टैलेंटेड ना हो कोई और साउथ ही वेस्ट कहते नहीं वो ऐसे जा रहा, नहीं ये यहाँ देख और आया तो क्या बताया तुमने उसका डायरेक्शन के हिसाब से, ये भी अच्छा बताया नॉर्थ वेस्ट, गया तो साउथ वेस्ट और आया ये कोई दोनों बातें जो नहीं, when it goes, अब देखो ना यहाँ जो जा रहा है जाएगा तभी तो टकराएगा, जाने का वहां से डायरेक्शन को कि ऐसे जाएगा ऐसे ऐसे टकराएगा ऐसे टक्कर मारनी चाहिए, जैसे टक्कर मारे वैसे बताओ, when it leaves India, when it enters India, it is south west, when it leaves India, देखो ऐसे जाके ऐसे गया यहाँ डायरेक्शन देखो south east, when it again enters India, सही है ये सेंटेंस पूरे बोलो, when it enters India it is south east, तुम बता नहीं रहे हो यहाँ से enter करा इसका डायरेक्शन वहां से मिलाओ ना, when it enters India, when it leaves India, southeast, when it comes back in India, northwest, तीनों बात एक साथ बोलो, when it enters India it's southwest, when it leaves India it's southeast and when it enters India it's northwest, तीनों बात बता दी अभी से लिख लें, so when ये हो गया, it reverses its direction, its direction is now, इसकी क्या direction है, is now northeast, northeast monsoon, और ये कब आएगा इंडिया में, it by चलो north क्या है, north west देखो, north west monsoon, अब आगे की बात करो, सर वो बता रहा बस उस वही बताने जा रहा हूँ, ठीक है, अब ये देखिए ये कब करेगा, तो अब यहां से वहां से लौट आया, देखो 15 जुलाई को गया, कब गया था इंडिया से 15 जुलाई को, अब 15 यहां पे आया, यहां जब लौट के आया तो कब आया 15 सितंबर, इट विड्रॉज फ्रॉम राजस्थान 15 सितंबर को बाय बोल देता भाई अब हम चाह रहे हैं, मतलब जोधपुर को विदा बोल दिया और भी आगे जाएगा हमारे यहां से तो उसने विदा ले लिया, इट विड्रॉज फ्रॉम कहां से बोलो, जाने जाने का बात कर रहा हूं, यहां 15 सितंबर को विदा लिया, फिर यहां पर 30 सितंबर को दिल्ली में विदा ले लिया, फिर और आगे यहां कितने को लेगा, दैट इज सितंबर अक्टूबर होगा, सितंबर अक्टूबर तो 15 अक्टूबर ले लो, और फिर यहां पर 30 अक्टूबर, ठीक है, अब इसके बाद देखो तो ये विड्रॉ हो रहा है, जाता जाएगा वहां से टकरा गया, एक महीने में टकरा गया जाता ज्यादा दूर नहीं, तो चलिए इट विड्रॉज बाय मिड अक्टूबर, इट विड्रॉज कंप्लीटली फ्रॉम नदर्न हाफ पेनिनसुला, कैसी अच्छी बात कही है, मिड अक्टूबर तक ये नदर्न हाफ पेनिनसुला को विड्रॉ कर देगा, बाय लिखा है बुक में बाय मिड अक्टूबर it withdraws from northern half peninsula, और बोलो फिर बाकी की जगह से कब withdraw हो जाएगा, और southern half peninsula is very rapid by early December, by 15 देखो मिड अक्टूबर और यहां तक आते आते क्या हुआ 1 December, और भी होगा 15 नवंबर भी होगा, और फिर ये कितना होगा बाय 1 दिसंबर इट विड्रॉज कंप्लीटली फ्रॉम, लेकिन तरीका बताया तुमको यहां पानी लेके आ बरसाएगा, बाय 1 दिसंबर इट कंप्लीटली, ये कंप्लीटली विड्रॉज फ्रॉम इंडिया, इंडिया से पूरी तरह से अपने आप को विड्रॉ कर लेगा, अब जरा देखिए कि ये तो सब चीजें हमने आपको बता दी,
व्हाट डज इट मीन बाय अक्टूबर हीट? अक्टूबर हीट से तुम व्योम क्या समझते हो? एक दो चीजें और बतानी है। अक्टूबर हीट पहले पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, बताओ। नाउ अब जरा देखिए कि द रीजन बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर। तो यहां से कुछ जो यहां पे तुम्हें अक्टूबर और नवंबर है, यहां तो मानसून तुमको कुछ दिखेगा नहीं, ओनली स्मॉल पैचेस ऑफ व्हाइट क्लाउड्स विल यू विल सी, अदरवाइज देयर इज, ऐसा नहीं कि पूरा बादल भरा ही भरा हो, वैसा नहीं देखोगे पूरा क्लियर। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिट्रीटिंग मानसून स्काई इज क्लियर, मोस्टली क्लियर, ठीक है। एंड एट दैट टाइम द सन स्कॉर्चिंग हीट ऑफ सन मेक्स द टेम्परेचर हाई एंड दैट इज नोन एज अक्टूबर हीट। विंटर आने से पहले मानसून चला गया, लौट के आ रहा तो कुछ लेके तो आ नहीं रहा है। तो लिखो ड्यूरिंग रिट्रीट ऑफ मानसून, मानसून के लौटते समय दैट इज स्काई इज क्लियर, स्काई इज क्लियर एंड टेम्परेचर इज हाई, इट इज कॉल्ड, इट इज, इसे क्या कहेंगे ये बता दो विश्नोई, अक्टूबर हीट राजस्थान और गुजरात के लिए क्यों फायदेमंद है? क्या ये अच्छा बताइए, इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी, इन्होंने बताया है कि ये देखो कि हमारे पास मेडिटेरियन सी है, तो ये यहां पर है ना अफ्रीका, ये यहां पर ये सब भूमध्य सागर, ये बीच बहुत सारी ऐसे, तो यहां फिर यहां ग्रीस है, इटली ऐसे है कि नहीं, दैट दिस इज भूमध्य सागर, दो जमीन के बीच के सागर को क्या कहते हैं, भूमध्य सागर। तो ये देखो अभी जैसा इन्होंने विष्णु ने बताया वही बात समझे, इन्होंने कहा कि यहाँ हीट बहुत है, सही है, इस हीट की वजह से क्या है, लो प्रेशर जोन है, हीट की वजह से क्या हुआ बोलो, लो प्रेशर जोन है, और यहाँ पर बहुत सारी, यहाँ भी हीट है, एक ही हीट बेल्ट है, लेकिन यहाँ पे सी भी है, यहाँ पे क्या है, सी है, और ये है अर्थ, अर्थ जो है इस तरीके से रोटेट कर रही है, तो इसके रोटेट करने की वजह से यहाँ पर कुछ क्या होता है कि ट्रेड विंड्स चलती हैं, ट्रेड विंड्स कैसे चलती हैं, इसके चलने की वजह से यहाँ ऐसे चलती हैं जिसे कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे, तो इसकी वजह से, क्योंकि ये गर्म है रीजन, गर्म को भरने के लिए क्या पोल के पास से ठंडी हवाएं आएंगी, पोल है ना, तो पोल से, लेकिन अर्थ के घूमने की वजह से उनको सीधे ना कर वो ऐसे आ जाती है, अर्थ घूम रही है, आना सीधे चाहती थी, तुम्हारा पूरा पूरी बेल्ट गर्म है और वहां नॉर्थ और साउथ बिल्कुल ठंडे हैं, तो वहां की हवा की डेंसिटी ज्यादा है कि नहीं, आना सीधा चाहती थी, आ नहीं पाएंगी क्योंकि अर्थ घूम गई, सीधा आना चाहती थी, कोई भी चीज ऐसा आना चाहिए, इसको कहते हैं फेरल का नियम कि सीधे ना करके उन पे फोर्स लगाओ तो ऐसे चलेगी, वो चीज हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो इन्होंने बोला उसको समझे। तो अब यहां पर जो एयर है वो सीधा, क्या ये तुम्हारे वेस्ट में है, तो वेस्ट की वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज या पश्चिमी विक्षोभ की वजह से देयर इज सम वाटर लेडन विंड्स, विंड्स कैरिंग वाटर लेडन क्लाउड्स, दे मूव, किधर मूव करती हैं, टू राजस्थान एंड गुजरात और अरावली के इस क्षेत्र में झमाझम वर्षा करती हैं, कब करती हैं, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज समझ गए, अक्टूबर हीट तुम समझ गए हो कि रिट्रीटिंग मानसून में कुछ मिलता नहीं है, तो क्लियर स्काई रहता है लेकिन धूप बनी रहती है, क्योंकि अभी भी सन जो पिछली बार उन्होंने बताया था कि नहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सीधा पड़ ही रहा है, समझ में आई बात, तो अब क्या लिखना बताइए, कुछ चीजें और लिखें, अक्टूबर ही समझ गए, व्हेन मानसून रिट्रीट्स सो स्काई क्लियर एंड सन, सन की तीक्ष्ण गर्मी स्कॉर्चिंग सन उसकी वजह से इस हीट से राजस्थान को क्या फायदा है, ये देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ड्यू टू अक्टूबर हीट, ऐसे लिखना अक्टूबर हीट
अब दूसरा हिंट की वजह से क्या होगा कि इन राजस्थान एंड गुजरात क्या होगा, लो प्रेशर जोन इज क्रिएटेड, जोन इज क्रिएटेड एंड जो इसको क्या कहते हैं व्यापारिक पवने ड्यू टू ट्रेड विंड्स, ये चलती ही रहती हैं, इसकी वजह से क्या है, इन लोगों को मालूम नहीं पड़ता विंड्स क्या होती हैं, द विंड्स विच मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रू आउट ईयर, जैसे ओशनिक विंड्स हैं, ओशनिक करेंट वो ऐसे ही चला करती, गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा रहा, इक्वाडोर की ठंडी जल धारा चलती रहती है, वो जहां जहां से आती है कि आपको मालूम है ना यूरोपियन की तरफ गल्फ स्ट्रीम आती करती है, लेकिन यहाँ देखो तुम ट्रेड विंड जो हवाएं साल भर एक ही दिशा में चलती रहती हैं फेरल के नियम के अनुसार, अर्थ के घूमने की वजह से ऊपर से आई कि नहीं ऐसे ना कैसे, ये ट्रेड विंड्स वो वैसे ही चलती रहेगी पूरा साल चलना ही है, क्योंकि हमेशा ये ट्रॉपिकल रीजन है, वो कैसा है दैट इज कोल्ड रीजन और बीच में सब ट्रॉपिकल है ना, तो इस वहां से हवा तो चलेगी, तो अब क्या लिखने बताओ इसके आगे, लो प्रेशर जोन है क्रिएट हो गया, देन द ट्रेड विंड्स कमिंग फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट से आ रही कि नहीं, ये तुम तो ईस्ट में हो, ये वेस्ट है, वेस्टर्न कंट्री वेस्टर्न कल्चर, और हम लोग क्या है ओरिएंटल, जो पूर्व में है उनको ओरिएंटल कहा गया, तभी तो हमारे ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया ने समझ आ गई बात की नहीं, तो इसलिए वो लोग शुरू में ही हम लोग का अपमान करते थे, क्लास एट में पढ़ा नहीं वो हम लोग कहते थे ओ ओरिएंटल वेयर आर यू गोइंग, हम लोगों को ओरिएंटल ही बना दिया, तो हम लोग पूर्वी लोग, अब ये देखो सो अब आगे क्या लिखते बताइए, ड्यू टू लो प्रेशर जोन इन राजस्थान एंड गुजरात द ट्रेड विंड कमिंग टू दिस दिस प्लेस, वो तो आ ही नहीं फ्रॉम मेडिटेरियन सी, दे ब्रिंग दैट इज वाटर लेडन क्लाउड्स एंड डू झमाझम बारिश इन राजस्थान एंड गुजरात, ये देखो देन ट्रेड विंड व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड को क्या कहते हैं व्यापारिक पवने, कमिंग फ्रॉम कहां से बोलो मेडिटेरियन सी, अभी अल नीनो और अल नीना बचा है, दो ही बचा है ना तुम्हारा, तो कोई बात नहीं अभी उनका वो भी कोई नहीं, दैट इज मेडिटेरियन सी जो वहां से आ रही है, ट्रेड विंड यहां से आ रही है, दे ब्रिंग क्या ले आती है बोलो साथ में वॉटर लेडन क्लाउड्स, दे दीज ब्रिंग वॉटर लेडन क्लाउड्स ये ले आती हैं, ठीक है एंड शावर एंड कॉजेस रेन, कहां रेन क्लाउड्स करती हैं इन राजस्थान एंड गुजरात, एक और चीज तुम्हें समझा दे, काल वैसाखी लू, अच्छा हमारे में लिखा तुम्हारे नहीं है एल नीनो कटवा दिया ना, दो चीज और समझ लो थोड़ा इसने समझा दे वहां बेसिक गलती ना, एक तुमको काल वैसाखी बताते हैं है ना, मानसून का तो पूरा रूट समझ में आ गया, काल बैसाखी समझो लू, लू कहाँ चलती है यूपी में, लू चलती लोग बहुत मानते हैं, तो लू के बारे में समझ लो काल बैसाखी, चलिए सो दैट इज लू कहाँ चलेगी, स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, स्ट्रॉन्ग धूल भरी आंधी चलेगी, गस्टी और ड्राई विंड, ड्राई विंड ठीक है, ये कहां पे चलती है ब्लोइंग ड्यूरिंग डे, मान लो गस्टी धूल भरी, गस्टी का क्या मतलब है धूल
गस्ट का मतलब है जैसे गस्ट ऑफ विंड, हवा का झोंका। गस्ट का मतलब गस्ट ऑफ विंड, तो स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड, गस्टी ड्राई विंड। गस्टी का मतलब है झोंका, सही है। गस्ट ऑफ विंड तो जैसे राई में तुम लोगों ने पढ़ा होगा इंग्लिश में, तो इसलिए वहां से जब यहां पर इस जगह पे बोलो कौन सा छोटा नागपुर है, यहां से जब आएगी हवा तो क्या इसके पहले यहाँ की हवा में कुछ कुछ भी नहीं है ना, वो तो पहले भरेगी उसके पीछे ही आएगी। तो जो ये वाली हवा है इसमें कुछ नहीं है, तो इसकी वजह से इस लो प्रेशर जोन की वजह से जो आसपास की हवाएं यहाँ इसको भरने के लिए चलती हैं, बारिश तो बाद में आएगी, उसके पहले ही यहाँ 200 लोग हर साल मर जाते हैं। लू है और तुमने पॉकेट में प्याज लेके नहीं निकले, पानी पी के नहीं, रस्ते में ही गिर जाओगे। लू का तो ये इतना बुरा असर है, ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न सहारनपुर मेरठ पूरे नॉर्थ इंडिया में होती है, सही है? ऐसा कुछ कहते हैं, दैट इज अगर आपने अच्छा खासा पानी पी लिया तो इवोपरेशन होता रहेगा, कुछ भी होगा, कुछ भी है, वाटर पानी तो खूब पीना, तो इससे वाटर लॉस बॉडी का ठीक हो जाएगा। तो ये कहाँ पर होता है बोलिए, इन नॉर्थ इंडिया। अब दूसरी चीज तुम्हें बता दें, काल वैसा तुम्हें ये बताया ना, सीधा तो नहीं आ जाएगा ना मानसून, चारों तरफ से पहले ड्राई एयर ही उसको मार डालेगी। अब तुम्हें एक बात मालूम है, तुम्हारी बॉडी से इवेपरेशन हो रहा है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ज्यादा हवा चलेगी तो ज्यादा इवेपरेशन होगा, और चारों तरफ से गर्म ही गर्म हवा चल जाए कितना फास्ट, तुम जितना भी पानी पियोगे वो उड़ जाएगा, जैसे कपड़े में से पानी उड़ता है ना, ऐसे शरीर से पानी उड़ता है इंडिया। तुमने पहले तो छोटा नागपुर में इतना कम प्रेशर जोन क्रिएट कर लिया हाई टेम्परेचर से, तो चारों तरफ से हवाएं आएंगी, चक्रवात भी बना देंगी, या इधर से आई इधर से घूम जाएगी, फिर घूम घूम के क्या होगा, वहां पे धूल भरी आंधी हो जाएगी, और उसकी वजह से तुम एक कपड़े की तरह हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर टेम्परेचर भी पड़ रहा है, हवा भी चल रही है, और अंदर का पानी उड़ता जा रहा है, इट ब्रिंग्स इवेपरेशन फास्टर। बोलो बात समझ में आई, काल वैसाखी की बात करें, दैट इज काल वैसाखी क्या होता है, That is local thunderstorms. That is and often accompanied by hail. Thunderstorms, तेजी से अगर कुछ भी हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, काल वैसाखी। और कुछ इसके बारे में आप लोग जानते हैं, एक मिनट देखते हैं कब आती है काल वैसाखी, क्या होती है अप्रैल मई में क्या होता है कि व्हाट इज काल वैसाखी, लोकल हैवी रेन्स, ठीक है, एंड हैवी विंड्स, तो इसको कहेंगे काल वैसाखी। और ये कब होगा, दैट इज अप्रैल, अप्रैल के महीने में ये चीज़ होगी। और ये कहाँ होगी, चूँकि बैसाखी का पर्व मनाया जाता है पंजाब में, तो उस समय अगर बड़ी तेज़ी से काफ़ी बारिश हो जाए तो उस समय क्या होता है कि कुछ लोगों का क्या होता है, फसल पक रही होती है गेहूँ की, तभी तो बैसाखी मनाई जाती है। बैसाखी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है कि ये जो सर्दियों की रबी की फसल है तो वो पक रही होती है, मार्च में आप देखते हैं 13 अप्रैल को या 12 अप्रैल को कुछ इन लोगों का बैसाखी का पर्व होता है, एक दो दिन इधर उधर होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर उस समय तेजी से बारिश हो गई और कुछ आलसी किसान हैं जिन्होंने अभी गेहूं की फसल नहीं काटी, तो उनके लिए काल है, सारी फसल बर्बाद हो गई, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, काल। जो स्मार्ट किसान है वो बढ़िया से 30 मार्च तक सब काट के रखे हैं, लेकिन इसने तो ये मार्च अप्रैल में आती है क्योंकि धूप तो है, गर्मी तो है, और वो लोकल बारिश भी कहीं से ला सकती, बगल में अरब सागर आ ही जाएगा मानसून, तो उसकी वजह से अगर आ गया तो उनकी तुम्हारे फसल की काल है। सो इन द मंथ ऑफ, किस मंथ में, इन मंथ ऑफ मार्च अप्रैल लिखा है, देखो इसमें तो यही लिखा है, ठीक है, मार्च, मार्च देयर इज हैवी रेन, ये कैसी रेन होगी, दैट इज हैवी रेन के साथ क्या होगा बताओ, ये देख लीजिए, आपको चित्र दिखा देते हैं कि हाउ इट लुक्स,
नाउ सो क्या होगा, हैवी रेन होगी और गस्टी विंड होगी, ये देखो तो तुमको भी पता चल जाएगा कि हाउ इट लुक्स। ऐसा कुछ होगा, देख रहा ये पूरा लगेगा जैसे बारिश नहीं कुछ और ही आ रहा, तो इस चीज को क्या कहेंगे, काल वैशाखी। There is a strong rain. Strong rains कैसी? It rains like cats and dogs. Idioms and phrases तो पढ़ा है, मूसलाधार। What does it mean? जैसे कोई पूछे मम्मी कैसी बारिश हो रही, Mom it's raining cats and dogs. मूसलाधार। So there is a strong rain. तो strong rain हो जाती तो काल वैशाखी किसे कहते हैं? किसी को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से कहते हैं, ठीक है। विथ थंडर स्टॉर्म, विथ थंडर स्टॉर्म इन पंजाब में हो सकती है एंड असम, असम में भी हो सकती है। देखो सभी जगह लिखा है, बिहार झारखंड उड़ीसा त्रिपुरा, तो वेस्ट बंगाल ही, इसमें सभी जगह के नाम इन वेस्ट बंगाल। इतना ही रखो, तो आधे घंटे तो ऐसे ही लेट कर दिया। पर कितने बजे पिक्चर है? 9 बजे, 6 से 9